ओके okay, वेन well, नमस्ते आदाब सोशियल मीडिया में हूं सी संकल्प कांस्टिट्यूएट स्वागत है आपका इस सेशन में और आज हमारे साथ है कुनाल रात्रा जिसने सीए इंटरमीडिएट नवंबर 23 पेपर 3 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ही हैस क्यूर्ड अ वेरी वेरी गुड 86 मार्क्स

आपने कॉस्टिंग के लिए क्या बुक्स रिफर की थी सेकंड कितनी बार आपने बुक्स को रिवाइज की थी एंड राइटिंग प्रैक्टिस कितनी बार की थी एंड थर्ड क्या आपने एक भी टेस्ट दिया था या हाउ डज इट वर्क सो ये तीन चीजों के ऊपर सबसे पहले अपन लोग आते हैं क्या कंटेंट यूज किया था आपने सर तक कंटेंट है यूज बस फर्स्ट तो आपने वो भेजी थी ऑप्टिमाइज लेक्चर लेते हैं तो ऑप्टिमाइज आती है दो बुक्स right. तो मेरे पास वो आई थी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लेक्चर के साथ साथ ही आप डेली होमवर्क भी देते थे उसी में right. कि Correct. एक क्वेश्चन करवाया और दो करने हैं तो वो डेली डेली साथ साथ ही करे जितना लेक्चर चल रहा था उतना साथ साथ कवर किया Perfect. और मेन मोटिव बात का सबसे पहला बात सबसे पहला बात स्टे कंसिस्टेंट विद द होमवर्क कई बार अपने को लगता है कि यार होमवर्क छोड़ दो नहीं करेंगे अपन लोग बाद में देख लेंगे वो बाद में कभी आता नहीं है ठीक है कभी होता ही नहीं जब अपन लोग कर रहे हैं लेक्चर्स तभी साथ साथ में कर लिया देन इन दैट दैट केस विल रियली बी गुड इन केस अगर आपने समझो मेरा बुक्स लिया हुआ है या मेरे लेक्चर्स लिए हुए हैं तो ऑप्टिमाइज विल कवर एवरीथिंग सो बाय डिफॉल्ट आप अगर उतना भी कर लेते हैं इट विल बी मोर देन सफिशियंट कंटिन्यू कुनाल सर ऑप्टिमाइज के बाद ना थोड़े टाइम बाद मुझे पता लगा आपकी कोई मैजिक बुक नाम की भी चीज है जो वन पॉइंट फाइव डे रिविजन के लिए राइट राइट right, right. तो मैंने फिर थोड़े टाइम बाद उसको ऑर्डर कर लिया आपकी okay. टीम से बात करके कि okay. कैसे ले सकता हूँ Okay. तो मेरे पास वो आई तो एक्चुअली मैंने वो वाली बुक अराउंड थ्री टू फोर टाइम्स रिवाइज कर रखी थी डेज okay. में ओके okay. प्रैक्टिस के लिए कि मैं एक डेज में कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूं okay. so तो to... two, सबसे पहला स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंटली आपको होमवर्क करते रहना है ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे स्ट्रैटेजी नंबर टू यूज बाय कुल इज दैट वो 1.5 डेज पे वो क्या करने वाला है वो उसने पहले से ही प्लान कर लिया था एम आई राइट कुनाल यस सर Perfect, perfect. So that is really good strategy जो आपने कि आपका वो प्लानिंग होना चाहिए बस 1.5 में कैसे आप आप अपने को मैनेज करने वाले हैं कंटिन्यू एंसर थर्ड नंबर में मैंने यही किया था कि आप जब क्लास में करवा रहे थे ना hmm. तो मैं क्वेश्चंस पर ध्यान ना देके पहले ध्यान दे रहा था कि आप कांसेप्ट में क्या करवा रहे हो मेरे को अभी भी फर्स्ट लेक्चर याद है जब आपने वो बोला रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल दिया था कि right. कोकली okay. किसी ने वो किया चार सौ रुपए का बिल आया तो उसको right. कैसे मैनेज करना था right. तो वो चीज अब तक याद है क्योंकि मैंने कंसेप्ट right, 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 right. so, be फिर बाद में जरूरी नहीं है कि इंस्टीट्यूट के बुक का ही क्वेश्चन आएगा तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे फिर कहां से भी आएगा यू विल बी एबल टू मैनेज द क्वेश्चन सो तीन चीजें अभी तक अपन ने सीखी है कंसिस्टेंटली हार्डवर्क होमवर्क करते रहना है वन पॉइंट फाइव डे का स्ट्रेटेजी पहले से क्लियर होना चाहिए थर्ड uh, जो uh, अभी uh, कुणाल ने बताया आपने को थर्ड पॉइंट क्या था कुणाल तेरा सर यही की कंसेप्ट ध्यान दोन क्वेश्चन सॉल्विंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्टअल क्लैरिटी हम लोग क्लास में जैसे कुनाल अग्री करेगा कि फॉर्मुलाज को डिराइव करते थे एग्जांपल्स के थ्रू तो वो चीजें याद रह जाती है जैसे कुनाल को एग्जांपल याद है कि जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने फर्स्ट लेक्चर में दिया था वो एग्जाम्पल उसको याद है सो so, एक्साम्पल्स से हम लोग कंटिन्यू करते हैं तो वो ध्यान में रह जाता है और फिर उससे आप कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कर पाते हो सो दैट एग्जाम में कुछ डिफरेंट पेपर भी आया तो आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है सो यू डोंट रिलाई ऑन द टिपिकल क्वेश्चन इट कैन बी एनी

तो बार बार क्वेश्चन शीट पर जाने जाएगा तुम्हारे आंसर में ही लिखा होगा कि क्या करना है उसको सोल्व कर लेना उसी टाइम वेरी नाइस तो समरी बनाता था, था हर क्वेश्चन का तू राइट जी परफेक्ट ओके okay, अभी uh, कितनी बार पूरा जैसे अपना रेफर किया या मैजिक बुक तो कितनी बार अपने राइटिंग प्रैक्टिस किया होगा ये ये पूरे कितने सॉल्व सम सॉल्व कर लिए होंगे कितनी बार सर एक बार तो आप स्टार्टिंग में क्लास के साथ हो जाते हैं करेक्ट ऑप्टिमाइज ना ना करते भी एक बार तो और करनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन काफी सारे हैं तो एक बार तो कर सकते हैं दरे, दरे। उसके बाद वही मैजिक बुक का थ्री टू फोर टाइम्स मिनिमम एंड लास्ट टाइम दिया था, ऐसा कुछ दिया था कर लेना एक बार। और एग्जाम से एक दिन पहले शाम को आपने उसके आंसर्स भी भेजे थे साथ साथ और साथ में कुछ लास्ट uh, ईयर के क्वेश्चन पेपर कम से कम एक लास्ट दो तीन अटेम्प्ट के करके देखे थे एक बार की मैं तीन घंटे में लिख पा रहा हूँ या नहीं लिख पा रहा हूँ ठीक है समझ गया डन चलो सो so, उस हिसाब से प्रिपरेशन की थी अच्छा अब एग्जाम पे आते हैं जैसे चलो प्रिपरेशन सब करते हैं बट एग्जाम टाइम पे जब तू देख रहा है कि यार पेपर लेंदी है या पेपर थोड़ा डिफिकल्ट साइज पे तो कैसे अपने आप को कंपोज किया एंड पेपर इतना तो अटेम्प्ट भी नहीं हो पा रहा था लोगों का मेरे को अभी भी आते स्टूडेंट्स के फोन आए थे बोले थे सर बहुत लेंदी पेपर है तो हाउ हाउ डिड यू मैनेज दिस एक तो डिफिकल्टी पार्ट कैसे मैनेज किया और जो पेपर का इतना था वो कैसे टैकल किया और कितने मार्क्स आप अटेम्प्ट कर पाए सर उस चीज के लिए ना आईसीआई में पंद्रह मिनट देता है स्टार्टिंग वाले तुम्हें तो पता लग जाना है पेपर लेंथ ही है तो मेंटली प्रिपेयर होना वही शुरू हो जाओ कि पेपर लेंथी आ चुका है अब क्या चीज करनी है उस उसपे सोचो ना कि क्या रह गया उस पर सोचो और ये ना सोचता हूँ कि क्वेश्चन देखा दिखाया मिल जाएगा हमेशा मैं ये सोच के जाता था कि कुछ नया क्वेश्चन आएगा और वही सॉल्व करना है मुझे एटीट्यूड एटीट्यूड वेरी वेरी नाइस मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं किसी सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि कोई सीए फाइनल का स्टूडेंट है जिससे मैं बात कर रहा हूँ जो इतनी अच्छी बात बोल रहा है कि सर मैं मेंटली प्रिपेयर था कि इंस्टीट्यूट का आया तो तो चलो मैं पूरा परफेक्टली कर ही दूंगा वो तो करके ही गया बट अगर कुछ और भी आता है तो मैं अपने आप को डाउन नहीं होने दूंगा आई विल फाइट फॉर इट एंड मेरे कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं भरोसा रखूंगा कंटिन्यू कंटिन्यू फॉर्मुला उस चैप्टर में है क्या एक तो आपकी बुक में तो है ही कहीं ना कहीं लि लिखवाते भी हो क्लास में तो उस चीज को समराइज करके एक शीट पर खुद लिख लेना ना तो बेटर रहता है लास्ट दिन के लिए राइट right, right. एक दो घंटे पहले के लिए क्वेश्चन कुछ भूल रहे हो तो फटाफट फॉर्मुला देख लिया परफेक्ट परफेक्ट सो फार्मूलाज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इन इन आर कॉस्टिंग पेपर बिकॉज काफी सारे जो चैप्टर्स है वो फॉर्मुलाज के ऊपर बेस्ड है तो अगर वो फॉर्मूलाज एग्जाम टाइम पे तो ऐसा लगता है कि सारे फार्मूलाज एक साथ दिमाग में घूम रहे कुश्ती कर रहे हैं और कहीं मैं कुछ इधर का उधर मिस ना कर दू बट यस uh, yes, एक जगह पे लिखा होगा तो आप कामली उस चीज को कर पाओगे एंड यू विल बी एबल टू मैनेज तो आपने कुछ खुद की फॉर्मूला शीट बनाई थी और हाउ डिड इट वर्क फॉर यू Yes, yes, so, एग्जाम दिया था कॉस्टिंग में मुझे भी बहुत सारे फॉर्मुलाज याद रखने में प्रॉब्लम होती थी तो मैंने भी सारे लिख लिए थे और आते जाते थोड़ा ऐसे ऑन एंड ऑफ में उसको रिवाइज करते रहता था जिससे काफी एक एग्जाम टाइम पे मेरे को टेंशन कम था ओके पेपर कितने मार्क्स का आपका अटेम्प्ट

Very nice. so, आपका पेपर टाइम पे हो गया था वो राइटिंग प्रैक्टिस से ही आएगा जितनी बार लिख के देखोगे वो अपने आप पांच दस मिनट कम हो ही जाते हैं क्या आपने एग्जाम में थ्योरी भी अटैम्प्ट किया था या पूरा प्रैक्टिकल बेस ही रखा था सर मैंने थ्योरी अटेम्प्ट किया था क्योंकि अब ऐसा होता है ना कि ये नहीं है कि लास्ट क्वेश्चन की थ्योरी आ रहा है फिफ्थ क्वेश्चन के एंड में भी थ्योरी थी तो थ्योरी करनी ही थी तो थोड़ी थोड़ी थ्योरी साथ साथ करनी पड़ती है इतना भी नहीं कर सकते कि थ्योरी बिल्कुल निगलेक्ट कर दो तो फिर वो दस मार्क्स का छूटेगा ही छूटेगा करेक्ट करेक्ट और थ्योरी से कई बार स्पीड भी मिल जाता है क्योंकि थ्योरी लिखने में और सम सॉल्व करने में डिफरेंस ऑफ टाइम होता है थ्योरी फटाफट लिख लेते हो आपको ध्यान में होता है तो सम सॉल्व करने में कई बार टाइम भी लग जाता है तो आपका एक थ्योरी विल एक्ट एज अ टाइम सेवर राइट सर ये भी हो सकता है थ्योरी लिख रहे हो ना उस टाइम तुम क्वेश्चन के बारे में सोचते रहो कि अगला क्वेश्चन में क्या करना है वो दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है लेकिन आगे थ्योरी लिख रहे हो ना थ्योरी फटाफट लिखी जाएगी सुपर सुपर सो साथ में थियरी भी हो रहा है काम भी फास्ट हो रहा है सेम टाइम दूसरे क्वेश्चन का मल्टीटास्किंग चल रही है अच्छा अभी एग्जाम में जब आपने पेपर लिखा था विल ट्राई टू गेट कुछ से मंगा पाएन uh, के बाद हेल्पफुल रहेगा एंड जब आप पेपर uh, लिख रहे थे तो उसमें फॉर्मुलाज भी आपने आंसर्स में लिखे हैं या फिर डायरेक्टली आंसर पे किया है आइडिया ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पेपर कई बार स्टूडेंट्स को उसमें भी डाउट होता है सर प्रेजेंटेशन में यही चलता है कि एक तो क्वेश्चन फॉर्मुला लिख के चलो

क्लैरिटी रखना साफ सुथरा रखना फॉर्मुलाज एटलीस्ट एक बार आप लिख लो सो दैट एग्जामिनर को बाकी अपने हिसाब से आप प्रेजेंट करो आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम है राइट राइट गुना येस सर मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कोई स्पेसिफिक ऐसा फॉर्मेट ही फॉलो करना है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा आप अपने हिसाब से लिखते जाओ बस उसको थोड़ा क्लियरली लिखो एंड एग्जामिनर को समझ में आए वैसा लिखो सर कॉस्टिंग में तो फॉर्मेट वाला चक्कर तो है ही नहीं हमारे पास सबसे बेस्ट पार्ट तो यही है करेक्ट तुम correct, चार्ट फॉर्म में सॉल्व कर लो लाइंस में सॉल्व कर लो सब कुछ चल जाएगा परफेक्ट सब कुछ चल जाएगा एंड ऑफ द डे कॉन्सेप्ट दिखना चाहिए एग्जामिनर एग्जामिनर को को और आंसर आंसर दिखना दिखना चाहिए को. तो अच्छा दिखना perfect. चाहिए अच्छा यस सर परफेक्ट ओके ग्रेट अभी uh, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है इन इन रिलेशन टू द टाइम मैनेजमेंट से फॉर एग्जांपल अगर आप सॉल्व कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यार मुझे कोई क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया और बीच में आपको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत कर दिया है ज दैट या उसके लिए कुछ सोच के रखा था, या क्या था प्लान सर उसके लिए तो मेरा वो भी फ्लो बिगड़ेगा उस टाइम करेक्ट 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 परफेक्ट सुपर सो आई थिंक काफी अच्छे पॉजिटिव पॉइंट अपने को मिले हैं गाइज सो इफ इफ वी गो बाई दिस वे जो कुनाल ने बताया आई एम श्योर आप लोग सब उसको प्रॉपरली मैनेज कर पाओगे देखो सब लोग एफर्ट्स डालते हैं ऐसा नहीं है कि एफर्ट में अपन कमी रखते बट कहीं, कहीं ना कहीं जो अप्रोच है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन दीज प्रोफेशनल एग्जामिनेशन सो एफर्ट्स एंड अप्रोच दोनों का प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए जो कुनाल के पास था एंड ही वॉज एबल टू सिक्योर सो गुड मार्क्स सो कुल अभी आपका क्या चल रहा है ग्रुप टू का तैयारी या फिर और भी कुछ कर रहे हैं आप साथ में तो अभी मेरा ओरिएंटेशन बैच चल रहा है oh, उसके बाद मैं आर्टिकलशिप के लिए जाऊंगा

ग्रेट ग्रेट कुनाल, सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेरी नाइस कन्वर्सेशन और कुछ लास्ट uh, पॉइंट्स अगर आप कुछ बोलना चाहें कुनाल टू ऑल योर इंटरमीडिएट फ्रेंड्स के इन जनरल उनको क्या स्ट्रैटेजी रखनी अपनी की तो बात हो गई बिकॉज आपने आप आपके डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक आए हैं Because आपने first attempt में आठों आठ किए हैं, कि कैसे बाकी सब्जेक्ट्स के लिए कुछ एक जनरल स्ट्रैटेजी इफ यू कैन टेल सीरियसली इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल प्लीज सर इसके लिए एक ही लाइन में आंसर करना चाहूंगा द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू विल ब्लीड इन वॉर सुपर अभी प्रैक्टिस कर लो पेपर में जाके ब्लीड नहीं करना पड़ेगा कर ज्यादा तो मतलब मैं बोल रहा हूँ ना ये ये इंटरमीडिएट का स्टूडेंट नहीं है ये सीए फाइनल का बंदा है ऐसा मुझे लग रहा है बात कर रहा है एंड अब, अब आ गया ना अब मैं मेरे को तेरे पर तरफ से इधर लाइव अपने सेशन में एक मेरे को तेरे तरफ से वादा चाहिए यू आर प्रोमिसिंग मी दैट जब सी फाइनल का एग्जाम होगा अब अपन रैंक के नीचे बात नहीं करेंगे डू यू प्रोमिस मी दैट यस सर बिल्कुल भी नहीं उसको रैंक में कन्वर्ट करके बताना है आप लोग प्रॉमिस मिल गया है मेरे को कुनाल की तरफ से बिल्कुल श्योर एकदम तुम्हारा सेशन करेंगे फिर ऐसे ही डन एंड कितनी बार रिविजन हुआ था बाकी सब सब्जेक्ट का इफ यू कैन थ्रो सम लाइट सर अप्रोक्सीमेटली टू टू थ्री टाइम्स रिविजन होना ही चाहिए मिनिमम टू टाइम्स और ऐसा okay. हो कि पहली रिविजन है ना वो तीन से चार दिन में खत्म हो रही है तो mm -hmm. दूसरी दो दिन में खत्म होना चाहिए वो सब्जेक्ट okay. वो लास्ट वही डी पे आना पड़ेगा करेक्ट uh, कोई सब्जेक्ट एग्जाम के टाइम पे आठ में से uh, जो uh, थोड़ा अच्छा नहीं गया था या जिसमें कम मार्क्स आए और लग रहा था कि यार कहीं ये पेपर ले ना डूबे मेरे को या कहीं पे ऐसा लगा कि यार ये पेपर अच्छा नहीं गया नेक्स्ट पेपर मेरा क्या दू नहीं दू वैसा कोई सिचुएशन नहीं सर ऐसा नहीं हुआ था बट मेरे को जब मार्क्स दिखे ना तो आई एस एम में तो वो okay. देख के ये लगा कि क्यों नहीं हो पाया इसके अंदर mm -hmm. एग्जाम तो अच्छा गया था बट मेरी शायद प्रैक्टिस कम थी उसके अंदर या फिर मैंने Perfect. ध्यान कम दिया उसके ऊपर तभी रह गया तो आठों पर ध्यान देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि, कि किसी एक को फेवरेट को ना लेना आपका स्ट्रॉन्ग है प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्गना सर मेरा बेसिकली थ्योरी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मैं ना खुद लॉ पढ़ाता भी हूँ यहाँ पे सीए फाउंडेशन को क्या बात है ओह oh, वेरी तो उसी nice. वजह से मेरा थ्योरी में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आ गया है तो लॉ एंड ऑडिट वाज माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट सुपर और मार्क्स स्कोर किया है आपने कॉस्टिंग में 86. क्या बात है यस yes, सर चलो ग्रेट सो आई थिंक ऑल राउंड कॉम्बिनेशन एंड डेफिनेटली आई एम नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू योर बोलते हैं ना सी ए फाइनल रैंक एंड मैं चाहता हूँ ये वाला वीडियो और वो रैंक का वीडियो एक क्लब करके बनाओगे देखो हमने वादा किया था और कुनाल ने वो वादा निभा के दिखाया है स्टार्टिंग में आपका प्रॉमिस मांगते हुए लेस्टमेन इंट्रो फिर उसके बाद वो वीडियो शुरू वाह हम लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस आप लोग भी जरूर मैनिफेस्ट कीजिएगा

गा सीए फाइनल एक अलग नजरिए से देखेगा आई एम श्योर अ वेरी वेरी प्रॉस्पेरस करियर अवेज यू थैंक यू सर थैंक यू टेक केयर बाय बाय अस्ता रविस्ता थैंक यू सो मच होप यू हैड अ ग्रेट टाइम थैंक यू समझिगडू 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 चलो टेक केयर बाय 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 सर